उत्तराखंड में यूके एसएसएससी पेपर लीक घोटाला मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां यूके एसएसएससी में सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की शाखा एनएसयूआई ने सचिवालय कूच किया। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने सचिवालय कूच किया। वहीं एनएसयूआई ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि प्रदेश में जिस तरीके से यूके एसएसएससी मामला हो या फिर विधानसभा में घोटाला उत्तराखंड में हो रहे हैं, वहीं महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हो, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। साथ ही उनका कहना है कि हम मांग करते हैं कि जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उन पर सरकार सीबीआई जांच कराए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए एनएसयूआई, हम लोग लंबे समय से जो यूके ट्रिपल एससी में भर्ती घोटाला हुआ है उसमें सीबीआई जांच की और एक जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं उनकी निगरानी में ये जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो विधानसभा में भर्तियां अवैध तरीके से हुई हैं उन्हें निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला आरक्षण बिल, जो 30% महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है, उसको लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए और विशेष सत्र इसके लिए बुलाया जाए। इसके अलावा भू कानून की भी मांग हम लोग कर रहे हैं।